गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज विकास कुमार गुप्ता। फ्रेंड्स, आज हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला वीडियो जो ग्रोथ का था, उसको मैंने पहले वीडियो में, आप अगर आप लोगों ने नहीं देखा है सो आप उससे देखें। और आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। सो रिप्रोडक्शन क्या होता है और क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की कि नहीं है। सो फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन मीन्स होता क्या है? री मीन्स वंस अगेन एंड फॉर्मेशन। री मीन्स वंस अगेन एंड प्रोडक्शन मीन्स फॉर्मेशन। किसी भी चीज़ का अगेन अगर हम फॉर्मेशन करें, दैट इज रिप्रोडक्शन। हम जैसे हैं अपने जैसे किसी ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना या बनाना, दैट इज रिप्रोडक्शन। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्व्स इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट क्या होता है फ्रेंड्स? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है फ्रेंड्स? केवल सिंगल पैरेंट। इसमें क्या है? केवल सिंगल पैरेंट। सिंगल पैरेंट से क्या होता है? न्यू ऑफस्प्रिंग बनते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पैरेंट्स मींस मेल और फीमेल। यहाँ पे दो पेरेंट्स से क्या बनते हैं? न्यू ऑफस्प्रिंग बनते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? सिंगल पेरेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्रेंड्स, इसमें मेल और फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग। अगर हम बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यहाँ पे जो वेरिएशन होता है बहुत ही कम होता है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत ज्यादा है। वेरिएशन मींस द डिग्री बाय विच ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मतलब जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑफस्प्रिंग होता है फ्रेंड्स, वो सिमिलर टू अपने जो उनके पेरेंट्स होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, मीन्स आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। हम उनको रिकोगनाइज नहीं कर पाएंगे कि कौन पेरेंट्स हैं और कौन ऑफस्प्रिंग है। बहुत सारे एग्जैक्ट कॉपी दिखते हैं उसमें। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो दो पेरेंट्स, यहाँ पे दो पेरेंट्स हैं, ठीक है, दोनों से वेरिएशन इसमें ज़्यादा होगा। तो ये क्या होता है? मोर और लेस सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। ये अपने पेरेंट्स जैसे ही होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? अपने पेरेंट्स जैसे ही होते हैं। फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है ना, हम इसको क्लास 12th वाले एनसीईआरटी में पहला चैप्टर हमारा रिप्रोडक्शन और ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में डिटेल में वहाँ पे हम पढ़ेंगे। और आज हम यहाँ पे बस यही पे बात करेंगे। तो रिप्रोडक्शन क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। रिप्रोडक्शन केवल और केवल लिविंग में होता है, किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। रिप्रोडक्शन केवल किस में होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो उनके प्रोजेनी होते हैं, मोर और लेस क्या होते हैं? वो पेरेंट जैसे ही होते हैं। लेकिन अगर यूनिसेलुलर की बात करें, तो इनमें जो प्रोजेनी होते हैं वो आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, वो आइडेंटिकल मीन्स एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। जैसे हम ईस्ट की बात करते हैं, ये ईस्ट है हमारा सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और एक इससे नया ईस्ट बन गया। ये दोनों एग्जैक्ट कॉपी हैं। और इन दोनों को क्या बोलते हैं हम? क्लोन। एक टर्म दिया जाता है क्लोन। क्लोन मीन्स जो अंदर से और बाहर से दोनों एक जैसे दिखे, उन्हें हम क्लोन बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जो ये रिप्रोडक्शन है, क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? तो नहीं है। क्यों नहीं है फ्रेंड्स? कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो लिविंग होते हुए भी वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं होती है। जैसे म्यूल्स हो गए, ह्यूमन इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए, वर्कर बीस, ये क्या है? ये सभी क्या है? ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। म्यूल्स, ह्यूमन कपल्स, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स और वर्कर बीस, दे कांट रिप्रोड्यूस। ये अपने जैसे ऑफिस पे नहीं बना सकते हैं। फिर हम बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं फ्रेंड, जैसे फंजाई में। फंजाई क्या करते हैं? बहुत सारे मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा ये रिप्रोडक्शन करते हैं। जो ईस्ट ऑफ हाइड्रा, ईस्ट ऑफ हाइड्रा में क्या होता है? बडिंग, बाय बडिंग। इसमें क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं उनमें एक छोटा सा बर्ड्स अपीयर होता है, और कुछ समय बाद जो बर्ड्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स से डिटैच हो जाते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो ईस्ट ऑफ हाइड्रा कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं? बाय बडिंग।
बाय फ्रेगमेंटेशन। कोई एक बॉडी है और कई बॉडी में जो बॉडी टूट जाती है, कई जिस जितने भी पार्ट में वो टूटेगी, हर वो एक नया जो पार्ट होगा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो किसमें किसमें होता है, फंजाई, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोजोआ मासेस। ट्रू रीजनरेशन किसमें होता है फ्रेंड्स, प्लेनेरिया, फ्लैट बर्ब्स। ट्रू रीजनरेशन मीन्स ये होता है कि अगर ये जैसे ये प्लेनेरिया है, अगर इनका ये देखो ये दो पार्ट क्या हो गए, दोनों अलग हो गए। इनमें क्या हुआ, ये पार्ट तो अलग हो गया, दूसरा जो हेड पार्ट है वो भी अलग हो गया, तो दोनों क्या पूरे होल बॉडी बन जाएगी, मतलब पूरा एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है। लेकिन जो रीजनरेशन, रीजनरेशन में क्या होता है, अगर जो अगर ये पार्ट है तो केवल इसी का रिपेयर हो जाता है, मतलब जो लास्ट पार्ट है उसकी जगह एक नया पार्ट आके ऐड हो जाता है। तो ट्रू रीजनरेशन में पूरा होल बॉडी न्यू ऑफस्प्रिंग बन रहा है, न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है। लेकिन रीजनरेशन में ऐसा नहीं है, रीजनरेशन में जो केवल लास्ट पार्ट है उसी का रिपेयर होता है, वही पार्ट अपीयर होता है। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कहीं भी अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट करके। थैंक यू।